कि जो भी भगवान राम और रामचरितमानस और हमारे सनातन धर्म पर सवाल खड़े करता है उसको जूता उठा करके, अगर मैं व्यक्तिगत बात करता हूं अपना चैनल से हटकर एक आम सनातनी होने के नाते, जूता उठा करके सर पर इतने जूते बरसाने चाहिए ऐसे लोगों को कि साहब ऐसे लोग कहीं ना कहीं इनको या उनकी औकात पता चल जाए कि। और अगर आप भी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया के रूप में लिखिए कि ऐसे लोगों को जुतियाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। और नमस्कार, मानस मिश्रा ऑनलाइन न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को बैसाखी बनाकर 2024 में प्रधानमंत्री की गद्दी पर काबिज होने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों भगवान राम रामचरितमानस पर टिप्पणियां की हैं, वो टिप्पणियां जाहिर तौर पर बहुत ही ज्यादा संकीर्ण टिप्पणियां हैं और ये टिप्पणियां साफ तौर पर अखिलेश यादव की चुप्पी ये दर्शाती है कि वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पर टिप्पणी करते हैं भगवान राम पर और रामचरितमानस पर, उनको पार्टी में बने रहने दिया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ उसी पार्टी की दो महिला युवा महिला नेता जो हैं जब उनके खिलाफ बोलती हैं कुछ शब्द कहती हैं उनको तुरंत ही पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। अखिलेश यादव ने अपने चेहरे को ये दिखाने का प्रयास किया था कि वो विकास के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, विकासवादी हैं, और 2012 से 17 तक उन्होंने प्रदेश का विकास किया, एक्सप्रेसवे बनाया, इस तरह का चेहरा प्रयास करने का दिखाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज वो चेहरा पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है और जो स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव, अब ये साफ हो गया कि आखिरकार जो कार सेवकों पर उनके पिताजी ने अभी जिनका हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, वो साफ तौर पर अखिलेश यादव उन्हीं के रास्ते पर हैं। और आज दो पार्टी के उन्हीं के खुद के नेताओं को, युवा नेता को निष्कासित कर देना महिला नेताओं को, ये साफ तौर पर दर्शाता है। चलिए इस वीडियो में आपको दिखाएंगे आखिरकार अखिलेश यादव जो खेलना चाह रहे थे वो चाल। आपको बता दें 2019 में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ भी इस तरह के काम किए थे, मायावती समर्थन लिया था और ऐसा लग रहा था कि 2019 में कि अब तो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो पूरा बदल जाएगा और बीजेपी को करारी हार यहां पर अखिलेश यादव देंगे। अखिलेश यादव राजनीति में प्रयोग करने वाले सबसे बड़े व्यक्ति हैं और ऐसा प्रयोग जिसमें हर प्रयोग में असफल रहे। आपको बता दें 2012 में वो सत्ता में आए यानी वो मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन 2012 के अगर मुख्यमंत्री की बात करी जाए जब अखिलेश यादव बने थे उस समय अखिलेश यादव का चेहरा नहीं था। अखिलेश यादव के पिताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने अपने परिवार को, पार्टी को दरकिनार करते हुए अपने पुत्र मेह में उनको मुख्यमंत्री बना दिया। 2012 में जो पूर्ण रूप से सत्ता में जो सरकार थी, मतलब जो पार्टी थी समाजवादी पार्टी, 2017 में उसका सूपड़ा साफ हो गया और अखिलेश यादव ने 2017 में उस समय ऐसा प्रयोग किया जो मेरे ख्याल से पूरे के पूरे राजनीति में वो साफ तौर पर दिख रहा था कि वो दो लड़के आए यानी उन्होंने अपने करियर पर कांग्रेस के राहुल गांधी को बैठा लिया और उस समय नारा दिया गया काम बोलता है दो लड़के करके। और लेकिन उस समय क्या हुआ, काम बोलने के छोड़िए साहब, काम का जिस तरह से उन लोगों ने पीपीडी बजा दी भारतीय जनता पार्टी ने वो साफ देखा। फिर 2019 में हम आते हैं, उसके बाद उन्होंने चुनाव 2017 में ही चुनाव का परिणाम आने से पहले ही दोनों पार्टियों में फूट हो गई और अखिलेश यादव अपनी तरफ और राहुल गांधी अपनी तरफ हो गए। 2019 आता है, 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ और 2019 में हुआ कि अब मुलायम सिंह यादव और मतलब मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच जो भी लड़ाइयां थी वो अखिलेश यादव ने बात करके मायावती से दूर कर ली है। अब प्रदेश में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया और लगा कि हाँ 2019 में जो चुनाव है ये 2019 का, उसमें मायावती और मुलायम के बेटे अखिलेश यादव मिलकर के पूरी तरह से देश की राजनीति को बदल देंगे और जो एक MY समीकरण था मुस्लिम यादव का, उसके अलावा जो बैकवर्ड कास्ट का यानी शेड्यूल कास्ट का जो वोट बैंक है वो साफ तौर पर ये इस तरह शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन परिणाम क्या निकला, वो परिणाम निकला कि साहब चुनाव का परिणाम नहीं आया था
उससे पहले ही मायावती और अखिलेश यादव में अनबन हो गई और चुनाव के परिणाम आते आते तो साहब जाहिर सी बात है परिणाम ने बता दिया कि आखिरकार ये किस तरह का समझौता था। 2019 खत्म हो गया, 2022 आया, 2022 में अखिलेश यादव ने कहा चलो हमने अखिलेश मायावती से समर्थन ले लिया, हमने अब राहुल गांधी से समर्थन ले लिया, बचे कुचे लोग कौन है। बचे कुचे लोग आपको याद करिए 10 जनवरी 2022 का वो दिन था जिस दिन समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुल गए और जो बीजेपी थी यानी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से एक एक करके लोग निकलकर जाने लगे। वो वक्त था जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट पद से, जिस तरह से 5 साल वो कैबिनेट मंत्री रहे बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में, वो क्या करते हैं वो इस्तीफा दे करके वहां से वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद दारा सिंह वो भी वन मंत्री थे 5 साल तक, वो उनको भी लगा कि अब हमारा बीजेपी में कोई अस्तित्व तो नहीं, उन्होंने क्या किया उन्होंने वहां पर पार्टी से स्थगन अपना वो करके सीधे तौर पर वहां वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। उस समय खबर यह आई कि लगभग 100 से भी ज्यादा लोग जो होंगे बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आएंगे। अखिलेश यादव ने उस समय बयान जारी कर दिया 10 तारीख 11 तारीख को कि जो भी समाजवादी पार्टी में आना चाहता है वो अपना वो उसका स्वागत है। अब 10 तारीख से 14 तारीख होता है और इस दौरान बहुत सारी भगदड़ मचती है, लेकिन भगदड़ यही मचती है कि समाजवादी पार्टी में बीजेपी से लोग निकल रहे होते और समाज पार्टी पार्टी में जा रहे होते। कुछ 28 से 30 नेताओं की लिस्ट बाद में आई लेकिन अल्टीमेटली 6 से 7 नेता ज्वाइन करते हैं और उसके बाद 14 या 15 तारीख को अखिलेश यादव का बयान आ जाता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि अब हम किसी भी व्यक्ति को अगर को बीजेपी से छोड़कर आता है तो हम अब उसको अपने पार्टी में नहीं लेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि हम इतने पीछे की कहानी क्यों बता रहे हैं, हम इतने पीछे की कहानी इसलिए बता रहे हैं कि 2022 में आपने देखा जो कुछ हुआ और स्वामी प्रसाद मौर्य आए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री थे 2017 से लेकर 2022 तक उसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में, वही चुनाव होता है और एक महीने बाद वही स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक की उनकी हार जाते हैं। आज वो एक एमएलसी हैं और आज वो एमएलसी हैं लेकिन अखिलेश यादव को लग रहा है कि इनमें वो जोश है क्योंकि ये राम पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करेंगे और ये इनके हीरो बन जाएंगे और मुलायम का जो कहीं ना कहीं एमओआई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण तो उनके पास है ही, अब ये शेड्यूल कास्ट का जो समीकरण है यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं ये राम पर टिप्पणी करके, जो लोग इस तरह के लोग हैं जैसे आप केजरीवाल को जानते हैं, कहते हैं बौद्ध धर्म का अपनाने वाले जो भी हैं वो सारे उनके हैं, ये पूरा का पूरा ये अब की बार खेल खेला जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे मेरा कहने का ये मकसद क्या था, ये पूरी वीडियो का मकसद क्या था कि अखिलेश यादव ये 2024 के लिए खेल खेल रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना अखिलेश यादव एक ऐसे प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं कि जब से वो सत्ता में आए हैं, 2012 में वो सत्ता में नहीं आए, 2012 में उनको कहीं ना कहीं सत्ता हाथ में सत्ता की चाबी पकड़ा दी गई थी। असल में सत्ता की चाबी का अगर असली परीक्षा थी तो 2017 में थी, तो 2017 2019 2023 22 की बात करें हर समय वो असफल ही रहे हैं। उनके जितने प्रयोग हुए हैं चाहे वो राहुल गांधी के साथ में रहा हो, चाहे वो आगे बढ़ के मायावती के साथ में रहा हो, चाहे वो आगे बढ़ करके हम बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य या ओपी राजभर का 2022 में या जयंत चौधरी का, ये सब पूरे के पूरे जितने चीजें हैं वो सारा का सारा फेल साबित हुआ है। अब एक नया जो खुलकर सामने आया है कि राम का विरोध करो और राम का विरोध करके अखिलेश यादव चुपचाप बैठे हैं। और खासकर आप बताएं अखिलेश यादव से जब पूरे मामले पर अभी तक उन्होंने साफ तौर पर केशव प्रसाद माफ कीजिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कोई भी टिप्पणी डायरेक्टली नहीं की है कि आखिरकार वो पार्टी का स्टैंड क्या है उसको लेकर के, जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, वो रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, तो उस पर कहीं से भी कोई भी वहां पर स्पष्टीकरण नहीं आया। लेकिन सबके बीच में जब पत्रकारों से अखिलेश यादव से पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि अखिलेश यादव जी आप बताएं, तो उन्होंने क्या किया, अखिलेश यादव का जो बयान तो बड़ा ही हास्यपद था, वो हास्यपद बयान ये था। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझसे एक्सप्रेस वे बनवा लो, मुझसे रोजगार दिलवा लो, मुझसे विकास करवा लो, लेकिन मुझसे ये रामचरितमानस या इसके बारे में मत पूछो, इसका स्पष्टीकरण
इसका स्पष्टीकरण तो केवल बाबा ही दे सकते हैं, नहीं योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं। उनके पार्टी के नेता जो कि भगवान राम पर, रामचरितमानस पर, उसके चौपाइयों पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, आपत्ति कहीं ना कहीं आपत्ति पूर्ण शब्द बोल रहे हैं, उसको लेकर के अखिलेश यादव खुद नहीं बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, वो योगी आदित्यनाथ पर यहां पर वो डाल देते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, अब हम आपको बता दें समाजवादी पार्टी का, सबसे हम आपको बताएं समाजवादी पार्टी का इसमें जो खेल था, सोशल मीडिया पर उनके जब ये अखिलेश यादव के सौम्य प्रसाद मौर्य पर जो पूरी टिप्पणी की गई, उनकी दो जो वो थी नेता थी जिनका नाम है मैं आपको बता देता हूँ, दो लोगों को निकाला गया, एक रोली तिवारी हैं और एक हैं ऋचा सिंह। रोली तिवारी और ऋचा सिंह इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। क्यों निष्कासित किया गया है, कि उन लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए बयानों की जो टिप्पणी थी उसको लेकर के उन्होंने अपनी टिप्पणी दी थी और उन्होंने रोष जताया था। उनको क्या किया गया, उनको आनन फानन में कुछ ही घंटों में उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इनको निष्कासित करने के बाद इन लोगों की प्रतिक्रिया आई है ट्विटर पे। रोली तिवारी लिखती हैं कि ना कारण बताओ नोटिस, ना सूचना, ना लेटर पैड, ना कोई, ना ही कोई हस्ताक्षर। ट्विटर पर निष्कासन करते समय स्याही खत्म हो गई थी या नैतिकता, ये सवाल पूछा गया है रोली तिवारी मिश्रा का, जिनको स्वामी प्रसाद मौर्य पर द्वारा जो टिप्पणी की गई रामचरितमानस पे, भगवान राम पर, वो रोली तिवारी ने उसके खिलाफ पार्टी में रहते हुए सवाल खड़े किए थे। साहब अखिलेश यादव ने क्या किया, जिस स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा जाना चाहिए था, जिस स्वामी प्रसाद मौर्य को, मुझे लगता है मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं तो अब मैं स्वामी प्रसाद मौर्य किसी के ऐसे व्यक्ति को मैं अगर व्यक्तिगत बात करता हूं कि जो भी भगवान राम और रामचरितमानस और हमारे सनातन धर्म पर सवाल खड़े करता है उसको जूता उठा करके, अगर मैं व्यक्तिगत बात करता हूं अपना चैनल से हटकर एक आम सनातनी होने के नाते, जूता उठा करके सर पर इतने जूते बरसाने चाहिए ऐसे लोगों को कि साहब ऐसे लोग कहीं ना कहीं इनको या उनकी औकात पता चल जाए कि भगवान राम या सनातन पर अगर कोई टिप्पणी की तो जुतियाने के अलावा उसको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता ऐसा चीजें होनी चाहिए। आप अपनी राजनीति के लिए इस तरह से घृणित काम करोगे और जो समाज है, जिस समाज में आप घृणा फैलाने का काम करोगे और भगवान राम पर, रामचरितमानस पर टिप्पणी करोगे, रामचरितमानस के प्रतियां जला दोगे, उसके बाद आपको लगता है आपका स्वागत किया जाएगा। जूते चप्पलों को ही इनका ये हकदार होते हैं जो भी लोग कहते हैं इस तरह की बातें करते हैं। और हमें लगता है अगर कोई लगता है, किसी को लगता है कि आप सनातन को लोग, कुछ लोग जो हिंसक होगा, हिंसक नहीं है, आपने पता होगा आप कि आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा कर गया, धर्म रक्षा रक्षति। तो हमें आज मीडिया में कहीं पर भी है, हमारा जो पैदाइशी धर्म है, जो हम पैदा हुए हैं, वो सनातनी हुए हैं। ऐसे में राम पर टिप्पणी करने वालों को जुतियाने के अलावा कोई काम मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग को जुतियाना जरूरी है। और हम अगर जो कुछ हुआ है, आपको पता है बीपी न्यूज के एक प्रोग्राम में लखनऊ के गोमती नगर के होटल ताज में जो कुछ हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, क्योंकि वहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि महंत जो है, जो प्रमुख महंत है अयोध्या के, हनुमानगढ़ी के, उन्होंने उनके ऊपर वार किया, उन्होंने उनको मारने का प्रयास किया, उन्होंने उन पर तरवाले की। उन्होंने क्या किया ये मैं नहीं जानता, ये जांच का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर राम पर कोई टिप्पणी करता है तो उनको जुतियाया जाना चाहिए और उनको भरपूर जुतियाया जाना चाहिए। और महंत राजू दास ने शायद वो सही चीज किया। और अगर आप भी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया के रूप में लिखिए कि ऐसे लोगों को जुतियाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। और उसके अलावा मैं आ जाता हूं, रोली तिवारी मिश्रा ने लिखा जिनको पार्टी से निष्कासित किया गया, उसका दूसरा नाम था डॉक्टर ऋचा सिंह, जिनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। उन्होंने लिखा ट्वीट पर, सुना एक पूर्व महिला अध्यक्ष का सामना करने के लिए पूरा गैंग सक्रिय हो गया है, स्वागत है आपके शब्दों कुंठा हमलों का, लोकतंत्र में विरोध और आलोचना संसदीय भाषा के दायरे के सबके बस की बात नहीं है। तो ये जो टिप्पणियां मैंने आपको की, इसके अलावा बहुत सारे ट्विटर यूजर्स थे जिन्होंने साफ तौर पर इसको लेकर के अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए हैं, अखिलेश यादव के फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। एक बार हम फिर से समाजवादी पार्टी से एक बार अनुरोध जरूर करेंगे और कि कृपया करके धर्म की राजनीति करिए, क्योंकि
धर्म रक्षत रक्षति, धर्म की रक्षा करना, अगर धर्म की रक्षा करोगे आपकी रक्षा खुद होगी। इसका सबसे अनूठा उदाहरण आपको बता दी तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भगवान राम के मंदिर का निर्माण करने का रखा था, कसम खाई थी। और दूसरी पार्टी वहीं पे अखिलेश यादव साफ तौर पे देख लें, अभी वक्त है 2024 के चुनाव में, और हम बार बार इनको हमारी पिछली वीडियोस भी देखते आएंगे। जब मायावती से आपने हाथ मिलाया था तब भी हमने आपको चेताया था, जब इससे पहले जितनी चीजें आई पिछले वीडियोज आप जाके देख सकते हैं, हमने चेताया था कि कृपया करें गलत काम कर रहे हैं, बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं। तो जितना काम ये कर रहे हैं वो बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हम बता रहे थे कि जो राम, भगवान राम को लेकर के अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, वो पार्टी आज 2 सीट से 400 सीटों के आसपास आंकड़े 2024 के लगाए जा रहे हैं कि 400 सीटों के आसपास पहुंच रही है। 350-52 सीटें वो हासिल कर चुकी है ऑलरेडी 2019 के चुनाव में। वही जो पार्टी 400 पे थी, जी हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, वही पार्टी भगवान राम पर सवाल खड़े करके, भगवान राम के जन्म का बर्थ सर्टिफिकेट मान करके, राम सेतु पर अस्तित्व खड़ा करके, रामायण को कथित एक उस पर सवाल खड़े करते इस ग्रंथों पर, आज उस पार्टी का हाल क्या है आप देख लीजिए। आज वो खुद पैदल पैदल मारे मारे फिर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन साहब आज खुद को नहीं जोड़ पा रहे हैं। अखिलेश यादव से मेरा यही विनम्र टिप्पणी है, अपने नेताओं को बचाइए, समाजवादी पार्टी को बचाइए, क्योंकि अब मुलायम सिंह यादव नहीं है। अब तक मुलायम सिंह यादव थे, 2022 के चुनाव तक मुलायम सिंह यादव के रहने से आपकी पार्टी में एकजुटता थी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी आपके यादव वोट बैंक को में सेंध लगाने का पूरी रूप से प्यास कर रही है, जिसका सबसे अनूठा उदाहरण आपके पिताजी को मुलायम सिंह यादव को उन्होंने जोजे अवार्ड से सम्मानित किया हाल फिलहाल में, वो यादव वोटों में सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके चाचा शिवपाल यादव, मुझे लगता नहीं कि जिस तरह से उनकी राजनीति इस समय है और राजनीति में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक राजनीति से इस तरह से दूर रहे हैं, क्योंकि जब से आपने सत्ता संभाली 2012 से तब से वो आज 10 साल हो गए हैं, 10-11 साल उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो आप गलतियां आप करते आए हो वो गलतियां अगर आज करोगे, मुझे लगता है इस समय अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य पे कोई कार्रवाई कर देते हो इस समय हाल फिलहाल में, तो मुझे लगता है आपको अपना वोट बैंक जो है, क्योंकि यादव भी आपको लगता है कि मुस्लिम यादव है, यादव मुस्लिम नहीं है। भगवान राम पर अगर आप टिप्पणी करोगे तो कन्हैया कृष्ण भगवान कृष्ण के वंशज हैं, यदुवंशी हैं, उन्हें लगता है, मुझे लगता नहीं कि ये लोग आपकी बातों पर आएंगे। और वही कृष्ण भगवान राम का रूप कृष्ण भी थे, तो साहब अगर उन्हीं पर टिप्पणी इस तरह से करवाई जाएगी, रामचरितमानस पर टिप्पणी कराई जाएगी, तो आपको लगता है कि आप इसको लेकर के आपको बहुत मुझे नहीं लगता है कि आपको इसका फायदा होने वाला है। बस इतना ही आपसे कहेंगे, कृपया करके इस तरह की ओछी टिप्पणियों से बचिए। और जो भी कुछ हो रहा है, सबसे अच्छा उदाहरण देख लीजिए कांग्रेस आज हालत क्या है, कि जो पार्टी 2 सीटों पर थी वो 400 पे पहुंच जा रही है, और जो पार्टी 400 पे थी सीटों पे थी वो 2 पे पहुंच जा रही है। उसका सबसे अनूठा उदाहरण कांग्रेस का है। बहुत बहुत धन्यवाद।